मम जीवन उपकारी खट्टरगढ़ सहस्त्रावधि महोत्सव प्रेरक नमियुण लब्धि निदान तीर्थ प्रणेता जिनकी चेहरे की मुस्कान सभी का मन मोह लेती है, ऐसे परम पूज्य खट्टर गच्छाचार्य श्री जिन पीयूषागर सुश्रुत जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदना। उपस्थित बाड़मेर नगरवासियों का मेरा सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। अनंत भवों की पुण्य राशि एकत्रित होने के बाद में हमारे को ये दुर्लभतम मनुष्य जन्म में भी आर्य देश में भी जैन धर्म ये प्राप्त हुआ है। देव गुरु धर्म हमारे इस जीवन के अत्यंत हितैषी में से एक है। अरब सागर समुद्र की तुलना हम स्वयंभू रमण समुद्र से नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार मेरु पर्वत की तुलना हिमालय से नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार कुबेर के खजाने की तुलना हम बिल गेट से नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार अभय कुमार की बुद्धि की तुलना आइंस्टीन से नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही हमारे गुण वैभव योग, ज्ञान वैभव योग, रूप वैभव योग, वितराग परमात्मा के इस शासन की तुलना दुनिया के किसी शासन से हमें नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा किसी न किसी चमत्कार के पीछे दौड़ते रहते हैं, चाहे कभी कहीं केसर की वर्षा होती है, हमें वो चमत्कार लगता है और हम भागते हैं उस चमत्कार को देखने के लिए। कहीं पर हमें सुनने को मिलता है कि कोई गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है तो हम भागते हैं चमत्कार को देखने के लिए, लेकिन हमें इस विश्व का, इस दुनिया का, इस जगत का ये दुर्लभतम जिन शासन प्राप्त हुआ है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन हमें इससे चमत्कार युक्त जिन शासन की कितनी वैल्यू है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, क्योंकि हमें जन्म से जैन कुल मिला है। इसलिए हमें इस जिन शासन की वैल्यू शायद कम हो, लेकिन जिनको ये जिन शासन नहीं मिला है, जन्म से जैन कुल नहीं मिला है, उनको इस जिन शासन की कितनी वैल्यू होगी वो शायद वही जीव जान सकता है। इस दुनिया में, इस जगत में अनंत जीव है, ठूस ठूस के भरे हुए हैं। कई पुण्य राशि एकत्रित होती है, कोई एक आत्मा उस सीध सीधा पर जाके पहुंचती है, तब जाकर इस निगोद में से, अव्यवहार राशि में से एक जीव व्यवहार राशि में आता है। बस मेरे ऊपर उन सिद्ध परमात्माओं का अनंत उपकार है कि मैं भी उस अनंत ठूस ठूस के भरे हुए जीवों में से अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आया, और व्यवहार राशि में से भी 84 लाख जीव योनियों में कई भवों की भ्रमणा करते करते, कई भवों में गोते खाते खाते ये दुर्लभतम मनुष्य जन्म मुझे भी प्राप्त हुआ और जीवन यात्रा प्रारंभ हुई आप ही की तरह, आप ही के बीच में से। बस उस जीवन यात्रा को जीते जीते, उस जीवन को जीते जीते, परिवार के संस्कारों के बीच में रहते रहते जीवन में धर्म के बीजों का रोपण हुआ, और इसी बाड़मेर की धन्य धरा पर समय समय पर गुरु भगवंतों के चातुर्मास का सानिध्य प्राप्त हुआ, और जीवन में वह धर्म के बीज
वैराग्य के बीजों के रूप में प्रपुष्टित होने में लगे। बस समय के उठा पटक के चलते चलते आप ही के बीच में रहते रहते आज मुझे यहां पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम इस दुनिया को एक जेल के उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, इस संसार को इस जेल के माध्यम से जानते हैं। ये दुनिया एक जिस प्रकार जेल में अनेकों बिल होते हैं, कभी कहीं से बिच्छू निकलता है, कभी कहीं से कोई चूहा निकलता है, कभी कोई से कुछ निकलता है और हमें काटता है, वैसे ही उसी प्रकार इस संसार में रहते रहते कभी हमारे पैरों को पैरालिसिस हो जाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। इस संसार में रहते रहते कभी हमारी हाथों में अल्सर हो जाएगा, हमें पता नहीं चलता है। हम कभी पिकनिक के लिए निकले, कभी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और कब वो हमारी अंतिम यात्रा बन जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति क्या सोच के निकलता है और क्या हो जाता है उसको पता नहीं चलता है। बस उसी प्रकार व्यक्ति, जो व्यक्ति जेल के अंदर है वो बाहर तो निकलना चाहता है, जेल से भागना भी चाहता है, लेकिन उसे वो पता नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस लिए मैं यहाँ आया हूँ। बस इस संसार रूपी जेल में रहते रहते हमें भी ये जीवन को समझना होगा कि मेरा जीवन, मुझे ये मनुष्य जन्म किस लिए प्राप्त हुआ है, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूँ, क्यों मुझे ये दुर्लभतम जिनसासन मिला है। दुर्लभतम जिनसासन मिलने का एकमात्र लक्ष्य यही है, आपको इस संसार सागर से यदि पार निकलना है तो उसका एकमात्र मार्ग ये संयम जीवन है। संयम जीवन के बिना ये संसार रूपी बहु समुद्र आप पार नहीं कर सकते हैं। बस मुझे भी वो संयम जीवन, मुझ सहित 15 मुमुक्षु आत्माओं को ये संयम जीवन 7 दिसंबर को शत्रुंजय गिरिराज की छत्र छाया पर, दादा आदिनाथ की पावन अमी वर्षा में और पूज्य गुरुदेव खत्तर गच्छाचार्य श्री जिन पीयूष सागर सुरसो जी महाराज साहब सहित वहाँ पर विराजमान शताधिक साधु साधी भगवंतों की निश्रा में 7 दिसंबर 2023 मिक्सर वदी दसवीं और उसी दिन परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक, उसी दिन हम सभी मुमुक्षुओं को वो रजोहरण प्राप्त होगा जिसका हम कई अरसों से इंतजार कर रहे हैं। वो घड़ियाँ धीरे धीरे नज़दीक आ रही है, सभी मुमुक्षुओं के लग रहे हैं 22 डेज गो, 20 डेज गो, 21 डेज गो, उनके अंदर हमारे अंदर तो झंखना हो रही है, लेकिन जो हमारे से जुड़े हैं उनके अंदर वो दिन वो गिनते गिनते उल्टी गिनती गिन रहे हैं। बस जिनसासन विहार सेवा ग्रुप बाड़मेर का एक ऐसा नाम, मुझे भी सन 2014 में परम पूज्य ज्ञान गंगोत्री सरस्वती पुत्री गुरुवर्या श्री सौम्य गुणा जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से स्थापित इस विहार सेवा ग्रुप से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे उस ग्रुप के अंदर प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई और विहार ग्रुप के माध्यम से भी कई गुरु भगवंतों की विहार सेवा करने का सौभाग्य इस विहार ग्रुप ने मुझे दिया है। इसके लिए मैं सदैव इस विहार ग्रुप का और पूज्य गुरुवर्या श्री का भी सदैव ऋणी रहूँगा और आप सभी से कदबद विनंती है 7 दिसंबर 2023 को आप सभी शत्रुंजय गिरिराज पर पधार कर हम सहित सभी मुमुक्षु आत्माओं को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा ये संयम जीवन निष्कलंक निष्कंटक बने और जिस लक्ष्य के साथ में हम सभी मुमुक्षु भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य हमें शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, ऐसा सभी आप मंगल आशीर्वाद हमें प्रदान करें।
साथ ही आप सभी से विनंती है, दिनांक 19 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 तक त्रिदिवसीय कार्यक्रम गोलेछा ग्राउंड में दीक्षा अनुमोदना निमित्त आयोजित किया गया है, आप सभी उसी में पधारकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही मेरी हृदय से प्रार्थना है। जय जिनेन्द्र।